Hello dear 7th class students. So today we will do question answers and book exercise of chapter physical and chemical changes. That is chapter number 6 in your book. So open page number 68 page pe sabse pehle hum karne jayenge MCQ. MCQ is multiple choice question. That is tick the correct option. So sabse pehla question kya hai, which of the following is not a chemical change? In charon mein se kaun sa chemical change nahi hai? रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स भी केमिकल चेंज है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज नॉट अ केमिकल चेंज, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ, आपको पता है पानी को फ्रीज करना हमेशा कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज. आयरन इज गैल्वनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद, आयरन की गैल्वनाइजेशन किसकी कोटिंग के साथ होती है? हमेशा जिंक की कोटिंग के साथ होती है. केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते. रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ एयर एंड वाटर. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर डीप ब्लू इन कलर. सेकेंड पार्ट, डाइजेशन इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज. थर्ड पार्ट, डैश आर ज्योमेट्रिकली शेप्ड प्योर सॉलिड पार्टिकल्स क्रिस्टल्स. सो द आंसर विल बी क्रिस्टल्स आर ज्योमेट्रिकली शेप्ड प्योर सॉलिड पार्टिकल्स. फोर्थ पार्ट इज फोटोसिंथेसिस अ डैश चेंज. फोटोसिंथेसिस कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है. A method to prevent rusting of iron is galvanization. Rusting of iron किससे prevent हो सकती है? Galvanization. Write T for true and F for false. Iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. True. Condensation of steam is not a chemical change. True. Cutting a log of wood into a pieces is a chemical change. False. Physical change है भाई, तोड़ रहे हैं सिर्फ. Iron and rust are the same substances. False. Iron तो एक metal है और rust जंग है. Formation of manure from leaves is not a physical change. True. Now coming towards very short question answers on page number 69. Name the change that is irreversible and permanent. Chemical change. गैल्वनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिंक मेटल की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर ताकि उसको हम प्रिवेंट कर पाएं जंग से. गिव एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कोई और भी लिख सकते हो आप. व्हाट टू कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, ये दो नेसेसरी कंडीशन है जो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जरूरी होती हैं. व्हाट इज कॉल्ड द डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन? गैल्वनाइजेशन. और किसकी लेयर होती है ये? जिंक की लेयर होती है. कमिंग टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इज अ फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? एक्सप्लेन. आपको पता है कि ऐसा चेंज जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड कर दें, ठीक है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस. अगर हम उसको कूल करें वो फिर से कूल हो जाएगा, तो दैट इज रिवर्सिबल चेंज. सो फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज. एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने के लिए आप आइस का एग्जाम्पल ले रहे हैं. गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, ये एक टेम्परेरी चेंज है, इजिली रिवर्स हो सकता है और बहुत कम एनर्जी लगती है इसके अंदर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज के क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं? केमिकल चेंज के इम्पॉर्टेंस ये हैं, अगर केमिकल चेंज ना होता तो हम फ्रूट ना खा पाते, फूड ना खा पाते, और अगर केमिकल चेंज ना होता तो हमारे अंदर क्या, रिप्रोडक्शन भी ना होती, डाइजेशन भी ना होती, ग्रोथ भी ना होती, हम अपने आप को हील भी ना कर पाते, हमारे को चोट लगती, हम ठीक भी ना कर पाते. तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल चेंजेस की वजह से. फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. टीयरिंग ऑफ पेपर इसलिए फिजिकल चेंज है क्योंकि अगर एक बार पेपर टॉर्न हो जाए तो उसका अपीयरेंस पेपर ही रहेगा, वो पेपर से कोई नया सब्सटेंस ही बन रहा. अगर वो फट के छोटे छोटे टुकड़ों में है तो पेपर ही रहेगा. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन पार्टिकल्स बी प्रिवेंटेड? आयरन पार्टिकल्स की रस्टिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग,
ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ये रिवर्सिबल चेंज है एंड ये इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज है. नेक्स्ट, एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व्ड. Energy is in the form of heat, light, etc. Next, the chemical composition and properties of substances remain same. The chemical composition and properties of new substances are different from the original one. इसमें paper paper ही रहेगा, लेकिन इसमें अगर हमारी body में अगर हम food खा रहे हैं, वो digest हो जाए, वो food की तरह form में नहीं निकलेगा, वो excrete हो जाता है बाहर, जो unwanted material होता है. नेक्स्ट, वॉट इज क्रिस्टलाइजेशन. डिस्क्राइब द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टल्स बनाते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, उनके सॉल्यूशन से. अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे होगा? सबसे पहले तो ये फिजिकल चेंज है. हमने एक कप फुल ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और वो वाटर हमने किस में डाल दिया? बीकर में डाल दिया. उस बीकर में हमने कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाले और उसके बाद हमने उसको हीट किया और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. कॉपर सल्फेट हम कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऐड भी नहीं कर पाएंगे, उसके क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? अब हम सॉल्यूशन को हीट नहीं करेंगे, हीट एक बार कर दिया, उसके बाद हम उसको कूल होने देंगे बिना डिस्टर्ब किए. बिना डिस्टर्ब किए मीन्स बार बार सॉल्यूशन को हाथ लगाए बिना, ठीक है. तो उससे हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे किसके? कॉपर सल्फेट के. कहाँ बनेंगे? बीकर के बॉटम में, नीचे, ठीक है. सो फोर्थ क्वेश्चन इज कट. कमिंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रस्टिंग? नेम टू फैक्टर्स विच कॉज रस्टिंग ऑफ आयरन. जब आयरन कॉन्टैक्ट में आता है ऑक्सीजन के, ठीक है, और एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस बना लेता है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग. दो फैक्टर्स जो रस्टिंग कॉज करते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, वाटर वेपर. यू कैन राइट एनीथिंग. सो स्टूडेंट्स, दीज वर क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 6. यू हैव टू सॉल्व द बुक एक्सरसाइज इन बुक एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक. ओके, थैंक यू.